अगर आपने भी मास्क उतार दिया है, हाथों को सैनिटाइज करने की आदत छोड़ दी है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी भुला दिया है तो सतर्क हो जाइए। भारत में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड 19 के 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 20 लोगों की कोविड के कारण जान भी गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 91,000 के पार हो गई है। शुक्रवार की तुलना में आज करीब 8% कम मामले आए हैं, लेकिन शुक्रवार को देश में 17,000 से ज़्यादा नए कोविड 19 मामले दर्ज किए गए थे, जो गुरुवार की तुलना में 30% तक ज़्यादा थे। बता दें कि कोरोना के वेरिएंट्स बदलने से इसके लक्षणों में भी तेजी से बदलाव हुआ है, जो पहले जैसे गंभीर लक्षण तो नहीं है, लेकिन इसकी रेंज पहले से ज़्यादा है। अब सिर्फ खांसी या बुखार ही कोविड 19 के लक्षण नहीं रह गए हैं। कोरोना वायरस शरीर के तमाम अंगों को प्रभावित कर रहा है और यही वजह है कि मरीजों में अजीबोगरीब लक्षण देखे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ लक्षण मरीजों के ठीक होने के बाद भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते नहीं बल्कि महीनों तक उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोरोना के आम लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस की कमी, नाक बहना, सूंघने की क्षमता कम होना या स्वाद महसूस करने की क्षमता कम होना, ये सब शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसे साइलेंट लक्षण भी हैं जिनका सभी को पता नहीं चल पा रहा। कोरोना वायरस शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है। मरीज ठीक होने के बाद भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। चक्कर आना कोविड का एक गंभीर लक्षण हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें मरीज जब वे चलने के लिए खड़े होते हैं तो कुछ चक्कर या डिजीनेस सा महसूस करते हैं। कैसर हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लोगों में उदासीनता या चिंता जैसे लक्षण भी पैदा हो रहे हैं। ये लक्षण उन लोगों में अधिक देखने को मिल रहे हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों से अन्य आवश्यक ज़रूरतों के लिए उतनी मदद नहीं मिल रही या जो दूर हैं। सेल्फ आइसोलेशन के चलते भी कई बार लोगों में उदासीनता या चिंता जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस का दिमाग पर भी असर पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों में। कोरोना से पीड़ित लोगों में सोचने समझने या दिमाग से जुड़ी अन्य क्रियाएं करने की समस्या पैदा हो रही है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो ये लक्षण आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। बेहतर है कि किसी डॉक्टर से मिलें, सलाह मशवरा करें। इसके अलावा कोविड के तमाम पेशेंट्स में भूख की कमी भी देखी जा रही है। भूख ना लगना बेशक कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत है, लेकिन कोविड में भी इसे अब एक अहम लक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। वास्तव में कोरोना वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे भूख न लगने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। बता दें कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। इस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को साफ रखने का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।